ढोलकी का एक छोटा मोटा फंक्शन रखा हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हो रही है हमारी गुड मॉर्निंग, जो कि बहुत लेट गुड मॉर्निंग थी क्योंकि सैटरडे का दिन था, हफ्ते का दिन था। तो हफ्ते वाले दिन आपको पता ही है बच्चों की स्कूलिंग नहीं होती, छुट्टी होती है, तो जो है बच्चे भी काफ़ी लेट उठे थे। और जो है तो बस यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने सारा निकाल लिया था करने वाला, और मैच चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का हफ्ते को, जो कि पाकिस्तान जो है वो हार चुका है। और यहाँ पर धूप काफ़ी निकली हुई थी, दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बस यहाँ पर हम अपना नाश्ता करेंगे और इसके बाद जो है मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए। तो साफ़ सफाई करनी थी, मतलब झाड़ू वगैरह देनी थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने रूम में आई थी सफाई करने के लिए। तो काफ़ी जो है ना वो कचरा वचरा आइडो साइडों सब जगह से निकल रहा था। उमेज़ा है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें फैला के रखती है, कागज़ फाड़ना ये सब कुछ करना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कचरा वो घर से निकल रहा था। तो यहाँ पर जो है ना मेरी सफाई हो चुकी थी और यहाँ पर उमेज़ा को जो है हमने शावर दे दिया था। नहा धो के साफ़ सुथरी हो गई थी क्योंकि शाम में हमने एक जगह जाना भी है, और बच्चे भी सारे अपने आहिस्ता आहिस्ता नहा धो के साफ़ सुथरे हो गए थे, काम मुस्तकिल चल रहे थे, मैंने रिकॉर्ड कम किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी वाइटी फैमिली? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है बड़ा मसरूफ़ दिन था, एक तो वीकेंड था, काम सुबह से लगे हुए थे कुछ ना कुछ, तो बस ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। और जो है अभी जो है चाय बनने के लिए रखी है, चाय पीऊँगी, और इसके बाद जो है कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए हैं। तो आज जैसे कि थंबनेल से आपने देख ही लिया है, आज है ढोलकी का एक छोटा मोटा फंक्शन रखा हुआ है। और शादी किसकी हो रही है? शादी जो है वो मेरी भांजी की हो रही है, बहन की बेटी की। तो जो है आज फर्स्ट यानी घर में उन्होंने सेलिब्रेशन रखी हुई है ढोलकी की, और 5-6 दिन बाद जो है वो जो इवेंट्स हैं वो स्टार्ट होंगे, जैसे माइयों और बारात वगैरह वो होंगे 20 के बाद। तो इंशाल्लाह जो है ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग। और वीकेंड था, वीकेंड में तो आपको पता ही है बहुत सारे काम होते हैं जो वीकेंड पे ही सारे निकाल करने होते हैं। तो बहुत सारे काम आज मैंने दिन भर में किए, बस ज़्यादा शूट नहीं किया था। मैंने सोचा कि आपको ढोलकी का फंक्शन दिखाऊँगी तो वही ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगी। फिर से हाथ उठाइए। तो इधर जो है उमेज़ा, और उमेज़ा की मम्मा तैयार हो गई हैं, बच्चे भी सारे तैयार हो गए हैं, बस एयरिंग्स पहनूंगी मैं। सब लोग कैसे हैं बताइए, आपका ड्रेस कैसा लग रहा है? इधर आइए, अपनी पता ही कौन सी बात कर रही है, पूछिए मेरा ड्रेस कैसा है, कैसा ड्रेस है मेरा, और चूड़ियाँ कैसी हैं, पूछिए चूड़ियाँ कैसी हैं। कैमरा देख के ना गुमसुम हो जाती है। तो बच्चे भी यहाँ पर सारे तैयार हो चुके हैं और हस्बैंड भी तैयार हो गए, हो गए बाइक पे पेट्रोल डलवाने के लिए। मैंने कहा डलवा के आए पहले फिर निकलते हैं। तो बस अब रेडी हो गए, 9 बज गए। अब्दुल्ला कंप्यूटर बंद कर दो, बस चलना है ना। मैं जा कपड़े ख़राब ना करिए, बुरे बुरे मुंह बना रही है और मुझसे भी कह रही है मैं बुरे बुरे मुंह बनाऊं। किसी की बारात जा रही है, नजर ही नहीं आना अब्दुल्ला तो। तो यहाँ पर हम सिस्टर के घर पहुँच गए थे सब लोग, और सारे ही लोग तकरीबन आ गए थे हमारी तरफ से। कुछ एक आध बहन मिस थी, अभी ये सारी बहनें बैठी हुई हैं मेरी, और जो है ननियाल के तरफ से और उनके ददियाल की तरफ से भी आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे। तो छत पे इंतज़ाम किया गया था ढोलकी का, और यहाँ पर ये जो बहन बैठी हुई है सामने, इनकी बेटी की शादी थी। उमेज़ा डांस कर रही है।
डांस किया था आपने? डांस किया था? नहीं किया डांस? पसीना कितना आ गया? मेरे मुंह पे तो वो पड़ रहा है सारा। पानी पीना है? अच्छा अभी देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मस्तियाँ बहुत ज़्यादा चल रही थी क्योंकि खाला थी वो पुराने गाने गा रही थी और जो भांजियाँ थी सारी वो कह रही थी नए गाने गाओ, तो हर तरह के यानी कि मस्तियाँ हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था और सब आपस में जो है वो एक दूसरे से मतलब बराबर की हैं तो कज़न्स, तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी ये लोग और हम भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर लग गया था खाना और काफ़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि इतने गाने गाए थे, गा गा के सब थक गए थे, तो खाना खा के हम आ गए थे नीचे घर में, तो वहाँ भी काफ़ी मज़ा किया। डी गाएं ब्राइड का। ब्राइड टू बी, ये हमारी ब्राइड। और खाना वाना सारा सब कुछ हो गया है, अभी हम नीचे आए हैं। अब लड़कियां पता नहीं क्या लड़कियां क्या करने वाली हैं, लड़कियां डांस करने वाली हैं जो हम चैनल पे नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ नीचे आके जो है ना काफ़ी डांस हो रहे थे, सब मिलकर खूब डांस कर रहे थे और थोड़े थोड़े क्लिप मैंने ऐसे ले लिए, कॉपीराइट का भी डर होता है। और यहाँ उमैज़ा जो है ना वो अपनी मस्तियों में फुल मस्त थी, वो मेरे पास आई नहीं ना ही इसने मुझे तंग किया, और जो है बस अब जो घर जाने की तैयारी पकड़ेंगे क्योंकि रात बहुत हो गई थी और तकरीबन रात के दो बजे हम लोग घर पहुँचे थे। तो घर जाके फिर मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं करा, थकन इतनी हो चुकी थी। तो आई होप कि आपको हमारा ये अच्छा सा ढोलकी का फंक्शन अच्छा लगा होगा, सिंपल सा। इंशाल्लाह आगे इवेंट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।